आमदन से ज्यादा के साक्षात केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कमराई अदालत में रश पर जज का इजहार बरहमी। एसओपीस का ख्याल ना रखा गया तो रेंजर्स की ड्यूटी लगा दूंगा। रिमार्क्स। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। सदर नून लीग ने बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज से भी गुफ्तगू। इस बारे में इससे पहले भी पार्टी मीटिंग्स में एक दो मरतबा बात हुई है, तो मैं अब जो है वो दोबारा, मेरा इरादा है कि कम अज कम लाहौर के जो एम एन ए की है उनमें से अगर किसी को मजबूरी हो उस दिन तो ठीक है, लेकिन रोटेशन के साथ जो है वो सबको आना चाहिए और पंजाब से भी लोगों को जब आना चाहिए, लोग आते भी हैं। शहबाज शरीफ के पेशी पर अराकीन ने असेंबली की आदम दिलचस्पी। राणा सनाउल्ला बोल पड़े, कहते हैं शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, लाहौर के अराकीन को उनकी पेशी पर आना चाहिए। ना अहली हुकूमत करे पैसा अदा करे आवाम। हुकूमत ने $65 मिलियन ब्रॉडशीट को अदा किए। अताउल्ला तारर की मीडिया से गुफ्तगू। अस्मा बुखारी कहती हैं पीडीएम की तरफ से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होगा। ख्वाजा साद रफी के लिए अच्छी खबर। नैब ने ख्वाजा साद रफी के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश, चेयरमैन नैब को अरसा। खबरें चल रही हैं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है, क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। ना इल्जाम का पता, ना इंक्वायरी खुलने का, ना बंद करने का, आपको क्या बताऊं मेरे प्यारे भाई? इल्जाम का पता है ना इंक्वायरी का। लोकोमोटिव इंक्वायरी बंद करने से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहते हैं इस केस से मुतालिक कुछ नहीं। एहतिसाब अदालतों से मुल्हिका रास्तों की बंदिश का मामला। हुकूमत का अदालतें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी कॉलोनी के करीब मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां असलम इकबाल की अलग अलग मुलाकातें। गंदम और आटे के स्टॉक और कीमतों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने ज़खीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को नकेल डाली है। बे आसरा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बुज़दार हुकूमत की तरजीह है। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिका आवान की गुफ्तगू, कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए मसरूफ़ अमल है। शहर में कूड़े करकट के अंबार, गलियां हो या मोहल्ले, चौक हो या चौराहे, हर सू कचरा ही कचरा। तहफ़्फ़ुज़ज़दा फ़ज़ा से अहलियाने लाहौर बीमार पड़ने लगे। तालीमी बोर्ड के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़। तलबा के टेस्ट की बगैर ही बोर्ड में दाखिले भेजे जाएंगे। DPI कॉलेजेस पंजाब का महकमा हायर एजुकेशन से हतमी मंजूरी लेने का इम्कान। FIA साइबर क्राइम में इजाफा। 2020 में खवातीन और बच्चों को हिरासा करने के वाकयात 55% बढ़े। मजमूई तौर पर 1,00,000 शिकायत का अजाला किया गया। मासूम जैनब से नन्ही मोमिना तक, बच्चों से दरिंदगी के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चौधरी मोना सलाही का ट्वीट, कहते हैं हुकूमत मुजरिमों को ढूंढने और सजा देने में देर ना करे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, मोमिनागा का कंट्रोल रूम का दौरा। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाईयों का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला सलमान गनी की मोमिनागा को ब्रीफिंग। PHA का जश्न बहारा मनाने का फैसला। तैयारियों के हवाले से DGPHA के जेर सदारत इजलास। मार्च के पहले हफ्ते में जश्न बहारा मेला सजाया जाएगा। नए लेस्को चीफ चौधरी अमीन ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इंजीनियर्स की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। लेस्को चीफ कहते हैं करप्शन पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने तबला पर तैयार किए गए ट्यूटोरियल रिलीज कर दिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समर राय कहती हैं, अलहमरा के फनून लतीफा में खिदमात का शुमार ही नहीं। मुझे अपनी बैटिंग पर पूरा एतमाद है, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस होगी तो सिलेक्टर उन्हें देखेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस न होने पर न्यूजीलैंड सीरीज के लिए आराम दिया गया। आईसीसी की नए टेस्ट रैंकिंग जारी, बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर बैटिंग रैंकिंग में पांचवें नंबर पर बरकरार। मोहब्बत की शायरी की तो हर दिल पे राज किया, आमिरियत पर बरसे तो टूट कर बरसे, मारूफ शायर अहमद फराज की सालगिरह, अहमद फराज की शायरी आज भी मकबूल आम है। गुजरात से उठने वाली दिलकश आवाज, पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर अनायत हुसैन भट्टी की आज 93 सालगिरह है। अनायत हुसैन भट्टी ने गुलकारी के साथ अदाकारी में भी नाम कमाया। और आसानियों का सफर, इंग्लैंड की नंबर वन कैब सर्विस माई लिफ्ट की लाहौर में ऐप पर कप्तानों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं उमर जान। और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रिमांड में 16 जनवरी तक तौसी कर दी है। अदालत ने एफबीआर से शहबाज शरीफ की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कड़ी सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत में आज नैब के गवाह मोहम्मद शरीफ का बयान कलमबंद किया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया मगर अभी तक रिपोर्ट फराहम नहीं की गई। उन्होंने एक बार फिर चिन्योट माइंस के हवाले से बयान दिया कि कौम के 600 अरब उन्होंने बचाए, नैब ने नहीं बचाए, इस पर नैब को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फाजिल जज ने करार दिया कि यह केस दूसरी अदालत में है, आप मौका आए तो वहां बयान रिकॉर्ड करवा दें। शहबाज शरीफ के पेशी पर नून लीग रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी भी किया। कहा नून लीग रहनुमा खुद इस मामले को हल करें, अगर अदालत ने कोई हुक्म जारी किया तो सब के लिए परेशानी होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 16 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने एफबीआर से शहबाज शरीफ की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि शहबाज शरीफ ने अहलिया नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज से भी गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ है शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही शहबाज शरीफ ने अहलिया नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज से भी गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पेशियों पर कारकुनान की सर्द मेहरी, बरोस बरोस तादाद कम होने लगी। सदर नून लीग पंजाब राणा सनाउला परेशान, कहते हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, लाहौर के अरकीन असेंबली को उनकी पेशी पर आना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि पार्टी इजलास में भी इस बारे में मुतअद्दिद बार बात हो चुकी है, अरकीन असेंबली का ज्यादा तादाद में आने से पार्टी सदर के लिए बेगुनाह होने और बेकसूर होने की ताईद होती है। बारे में इससे पहले भी पार्टी मीटिंग्स में एक दो मरतबा बात हुई है, तो मैं अब जो है वो दोबारा, मेरा इरादा है कि कम से कम लाहौर के जो एम एल ए हैं उनमें से अगर किसी को मजबूरी हो उस दिन तो ठीक है, लेकिन रोटेशन के साथ जो है वो सबको आना चाहिए और पंजाब से भी लोगों को जब आना चाहिए, लोग आते भी हैं क्योंकि ये पार्टी प्रेसिडेंट के साथ थी और एक मुश्किल में एक मुसीबत में एक हौसला अफजाई के लिए एक उनके बेगुनाह और बेकसूर होने की तायद के लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस जो है ये होना चाहिए।